हैप्पी मॉर्निंग फ्रेंड फ्रेंड जैसा कि आज आप लोग जानते हैं कि अपना जो सेशन है वो हमने लिया है पोटैटो पर, और आप लोगों की एक काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट थी कि आपको पोटैटो पर एक सेशन मिलना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पोटैटो का आज सेशन लिया है, और उम्मीद करती हूँ कि आज के सेशन से आप लोगों को अच्छी जानकारी मिलेगी और आप लोग जो भी प्रोडक्ट्स अपने यूज करना चाहते हैं, जैसा भी आप लोग पोटैटो फार्मिंग कैसे कैसे स्टेप्स में की जाती है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे लिया जाता है, तो इसके बारे में आज हम सीखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक चीज ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लोगों को जो ट्रेनिंग सेशन में लास्ट में टाइम दिया जाता है क्वेश्चन आंसर के लिए, उसमें आप लोग अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसकी मैं आप लोगों को अच्छी जानकारी दे सकूँ और एक सटीक जानकारी दे सकूँ, जिससे कि आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आलू के बारे में। पोटैटो मीन्स आलू की फसल के बारे में। तो इंट्रोडक्शन हम देखते हैं जो आलू है उसके बारे में एक छोटी सी चीज बताऊंगी मैं कि आलू भारत में सबसे इम्पोर्टेंट जो है फूड माना जाती है या एक क्रॉप मानी जाती है कि, और दूसरी चीज की तमिलनाडु और केरल को छोड़कर आई थिंक पूरा पूरे भारत में आलू पैदा किया जाता है, और आलू की जो औसत उपज होती है वो 152 क्विंटल पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग होती है ना। जैसे पूरे विश्व में आलू की खेती की जाती है, मतलब पूरे वर्ल्ड में आलू की खेती की जाती है, लेकिन भारत में भी आलू की जो है बहुत लार्ज स्केल पर खेती की जाती है, और एज पर माई नॉलेज की जैसे यूपी में आलू बहुत अच्छा पैदा किया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में आलू की खेती बहुत अच्छी होती है, और इसके साथ जैसे क्या जरूरी होता है कि अगर अगर आलू की अच्छी पैदावार आप चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि बहुत ही उन्नत किस्म के बीज आपके पास में हो, और बहुत ही उन्नत मतलब जो बीज हैं वो रोग रहित होने चाहिए, है ना। और इसके साथ ही जो हम जो फर्टिलाइजर का जो यूज कर रहे हैं या जो हम इरिगेशन कर रहे हैं, जो हम प्रोटेक्शन के लिए हम जो भी चीजें दे रहे हैं उसका भी हमारे जो यील्ड है उसपे बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है, हमारी उपज पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आलू की खेती, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आलू की खेती कहीं ना कहीं सर्दियों की होती है, तो सर्दियों को ध्यान में रखते हुए ही हमें उस पर सारे ट्रीटमेंट करने हैं, और आज हम सीखेंगे कि हमें जो किसान ग्रो के प्रोडक्ट्स हैं उनको उनको कैसे यूज करना है। जो लोग पहली बार आई थिंक कुछ लोग हैं जो आज सेशन अटेंड कर रहे होंगे, उनके लिए एक बार हम आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहूंगी मैं कि अपने पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस किस कैटेगरी में आते हैं। तो आप में से जो भी नए लोग हैं आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, अपने पास में एक्टिवेटर की कैटेगरी, प्रोटेक्शन की कैटेगरी और न्यूट्रिशन कैटेगरी के ही प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा अपने पास में कोई भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड या वीडिसाइड अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे इन तीन कैटेगरी के अलावा अगर किसान भाई लोग आपसे कुछ भी मांगते हैं तो आप उनको क्लियरली मना कर सकते हैं कि आपके पास उसमें का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, उनको आपको भ्रमित नहीं करना है। और अगर आप खुद एक किसान हैं जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो आप लोग ध्यान रखिए कि आप इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ तीन ही तरह के आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, न्यूट्रिशन यानी पोषण की कैटेगरी में, या फर्टिलाइजर, टॉनिक या कुछ भी नाम से आप कह सकते हो, दूसरा जो है आपका प्रोटेक्शन कैटेगरी में, और तीसरा आपका एक्टिवेटर कैटेगरी के प्रोडक्ट आते हैं। एक्टिवेटर में किसान 100, प्रोटेक्शन में किसान प्लांट प्रोटेक्ट, किसान प्लांट गार्ड, और न्यूट्रिशनल कैटेगरी में किसान ह्यूमिक, किसान गोल्ड ग्रोथ, अमीनो विट, एंटी फ्लो, फ्रू मैच्योर, किसान ईल्ड एंड किसान एचएपी ग्रेनुअल। ठीक है, इतने प्रोडक्ट्स अपने टोटल है। अगर मैं टोटल प्रोडक्ट्स के नंबर्स की बात करूं तो टोटल 10 प्रोडक्ट्स अपने पास में रहते हैं। ठीक है, अब जैसे हम वापस आते हैं अपनी पोटैटो फार्मिंग पे, तो पोटैटो फार्मिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि
जो है उसका एक इंट्रोडक्शन आपको केवल दिया कि कैसे कैसे हम पोटैटो कहाँ कहाँ पे होता है, किस किस जगह पे। अब यहाँ पर हम पोटैटो की ग्रोथ स्टेजेस देखते हैं। ग्रोथ स्टेजेस में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बीज में स्प्राउट्स का डेवलपमेंट हो रहा है। स्प्राउट्स की पहचान कैसे करेंगे? छोटे छोटे व्हाइट कलर के। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो मैं उसमें भी आपको बताऊंगी कि स्प्राउट्स उन्हीं को बोलते हैं। एक एक और इमेज मैंने लेके रखी है, ठीक है। स्प्राउट्स आते हैं तो वो ग्रोथ स्टेज वन होती है, फिर ग्रोथ स्टेज टू यानी कि वेजिटेशन ग्रोथ होती है जिसमें पत्तियों का विकास होता है और नीचे जो आलू का जो बल्ब बन रहा है वो भी विकसित होता है। तीसरी स्टेज जो होती है उसमें पौधे की हाइट बढ़ती है और साथ ही साथ पोटैटो जो है वो भी ग्रो करता है। इसके बाद में ग्रोथ स्टेज जो फोर होती है तो फोर में ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं तो फ्लावरिंग स्टेज ऊपर की तरफ स्टार्ट होती है और नीचे जो है आलू वो काफी सारी संख्या में बनने शुरू हो जाते हैं। यानी उनकी अच्छी मात्रा में अगर आपने सही से खेती की है तो अच्छी मात्रा में आलूओं का एक एक ही पौधे में कई कई आलू हो जाते हैं। इसके साथ में ग्रोथ स्टेज जो फाइव आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पत्ते मुरझाए हुए से हैं, पत्ते सूखे हुए से हैं, लेकिन नीचे आलू जो है पूरी तरह से पोटैटो नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैच्योरेशन की स्टेज होती है जिसको कि मैच्योरिटी स्टेज भी आप कह सकते हैं, जहाँ पे आलू पूरी तरह से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। तो ये तो थी इनकी ग्रोथ स्टेजेस, एक सिंपल फॉर्म में मैंने बहुत बताया है अभी। और अगर मैं बात करूं आलू की कि आलू की जो है टोटल कितने दिन की अगर क्रॉप होती है, तो जैसे इसमें आप अगर नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं कि आलू जो है वो टोटल 90 से 120 दिन का 90 से 120 दिन की क्रॉप होती है। मतलब जो सीड ग्रोइंग है उससे लेकर के और हार्वेस्टिंग तक के लिए, ठीक है। और जो मैं अभी आपने पहली स्टेज देखी यहाँ पर कि स्प्राउट डेवलपमेंट है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये 15 से 30 दिन की स्टेज होती है यानी 15 to 30 days की। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे इसमें आप आलू देखना ना ट्यूबर्स जैसे जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये जो 30 days होती है स्प्राउटिंग की, उसके बाद में 15 से 30 दिन की स्टेज फिर इसकी आती है, फिर उसके बाद में 45 से 90 दिन। मतलब जो सबसे ज्यादा पीरियड होता है वो यही होता है जो तीसरी से और चौथी स्टेज जो होती है ये सबसे ज्यादा होती है, 45 days to 90 days। और हमें इसी स्टेज में सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है खेती का। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पे सर्दी बहुत ज्यादा हो रही होती है, पाला गिर रहा होता है, फ्रॉस्टिंग की प्रॉब्लम हो रही होती है, साथ ही साथ में ब्लाइट्स की प्रॉब्लम हो रही होती है, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए और तो हमें 45 से 90 दिन का जो स्टेज होता है, ऑलमोस्ट 1.5 महीने का जो स्टेज होता है, उसमें हमें ज्यादा केयर करनी है। और उसी टाइम के दौरान पे हमको अपने प्रोडक्ट्स को जो किसान ग्रो के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे तरह से हमको क्रॉप को देना है, जिससे कि जब फिफ्थ स्टेज आए तो तब तो हमें कुछ देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो आलू हमारा बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ अब देखते हैं कि हमें कैसे कैसे रिक्वायरमेंट होती है कि क्लाइमेट में बात करती हूँ कि क्लाइमेट कैसा होना चाहिए। देखिए क्लाइमेट की अगर यहाँ बात करूँ तो जैसे आप सभी जान रहे हैं कि आलू जो होती है वो रबी की फसल है यानी सर्दियों में बोई जाने वाली फसल होती है ना। अभी इसका सीजन भी आ गया है बोने के लिए, तो इसके लिए जो जलवायु होती है ना वो बहुत ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। अगर फ्लावरिंग और प्लांट की जब ग्रोथ हो रही है तब तो टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है तो चलेगा, लेकिन जब जब टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है, तब मतलब वो तो ग्रोथ के लिए अच्छा है। किसका? जो ट्यूब मतलब कि पोटैटो का जो प्लांट डेवलप हो रहा है, जो लीफ जो अच्छे से डेवलप हो रही है उनके लिए। लेकिन जो बल्ब बन रहा है पोटैटो का, जो बल्ब है वो आपका हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो हमेशा सर्दी में ही बहुत अच्छा बनता है। मतलब उसके लिए जो टेम्परेचर है वो हमेशा ही डाउन रहना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि सॉयल बेस्ट सॉयल कैसी होती है, तो जो
सॉयल है वो सबसे अच्छी होती है लोमी सॉयल, ठीक है, या सैंडी लोम सॉयल जो होती है जिसको बलुई दोमट मिट्टी हम बोलते हैं, वो सबसे अच्छी होती है। और इसके लिए जो पीएच लेवल अगर हम बात करें तो पोटैटो क्रॉपिंग के लिए, और ये जो पीएच लेवल है अगर आप ऑर्गेनिक पोटैटो की खेती करते हैं तो उसके लिए भी दी बेस्ट पीएच लेवल है, ओनली 4.8 to 5.4 का होना चाहिए। तो पीएच लेवल हमको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और पीएच लेवल अगर बहुत ज्यादा है तब भी आपके आलू जो हरा, आप जानते ना जो हरा आलू यानी ग्रीन ग्रीन आलू आता है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, वो हानिकारक होता है, या पिंकिश आलू होता है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, वो नहीं खाते हैं, तो ये सब बहुत तरह की बीमारियां आलू में आने लगती हैं, उनकी पैदावार अच्छी नहीं होती, उनकी किस्म अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो पीएच लेवल है अगर हो सके तो आप प्लीज पोटैटो की खेती करने से पहले, पोटैटो फार्मिंग से पहले आप अपनी मिट्टी को पीएच लेवल जरूर एक बार चेक करा लें, और पीएच लेवल अगर 4.8 से कम है तो उसको बढ़ाने के लिए आप जो है प्रोडक्ट यूज करिए, और अगर पीएच लेवल 1.5.4 से ज्यादा आ रहा है तो उसको कम करने के लिए आप पीएच बैलेंसर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब लैंड प्रिपरेशन हमको कैसी करनी चाहिए, ठीक है। लैंड प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो थोड़ी सी एसिडिक होनी चाहिए, एसिडिक है तभी तो पीएच लेवल इतना कम है ना, मतलब जो पीएच रेंज हम लेकर के चल रहे हैं, तो थोड़ी सी एसिडिक लैंड अच्छी होती है पोटैटो फार्मिंग के लिए। और क्या करना है हमको लैंड का प्रिपरेशन, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ आप यहाँ पे जान सकते हैं कि इस तरीके के बेड्स बनाए जाते हैं पोटैटो की फार्मिंग के लिए, अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा आलू की खेती करते हुए तो इस तरह के बेड्स होते हैं। इनमें आपको क्या करना होता है कि इस तरह के बेड्स आप तभी बना सकते हैं जब आप कम से कम 2 से 3 बार डीप लगे हों, ठीक है, डीप लगने आपने पूरा एकदम भुरभुरा कर ली हो, या जब छोटे छोटे ग्रेनुल्स उसके तैयार हो गए हो, समतल मिट्टी हो गई हो, फील्ड एकदम एक समान हो गई हो, प्रॉपर वे में एकदम फील्ड हो, तो उस तरीके की जब फील्ड होती है तो ये, लेकिन कैसे तैयार होती है, जब कम से कम फील्ड का 2 से 3 बार हम जो है डीप प्लगिंग कर देते हैं या कल्टीवेशन हम कर देते हैं लगाने से पहले, ठीक, तो इस तरीके से की फील्ड रेडी ये लैंड प्रिपरेशन के टाइम पर आपको क्या करना है, आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके लिए आपको जो बेड्स जैसे आप देख रहे थे, तो जो बेड्स के बीच में जो डिस्टेंस रखना है वो 60-90 सेंटीमीटर का रखना है, और जो इंट्रा बेड डिस्टेंस जो होता है वो कम से कम 45 सेंटीमीटर का होना चाहिए। मतलब कि इसमें दो तरह की चीजें आप देख पाएंगे, एक तो आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि बेड्स बने हैं, इनसे एक डिस्टेंस है, एक बेड से दूसरे बेड्स की डिस्टेंस यहाँ पर मैं बता रही हूँ 60-90 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, लेकिन जब आप इसमें आलू लगाते हैं तो उनके बीच में जो है डिस्टेंस काफी अच्छी रखनी चाहिए हमको, क्योंकि क्या होता है आलू नीचे नीचे जमीन के नीचे होता है, अंडरग्राउंड अगर डेवलप हो रहा है पोटैटो तो उसको विकसित होने के लिए जगह चाहिए। और हम इसको अगर शुद्ध हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको मेड़ बोलते हैं ना, मेड़ बना करके ही आलू की खेती की जाती है, क्योंकि मेड़ जितनी अच्छी तरह से होगी, मिट्टी जितनी अच्छी तरह से चढ़ाई गई होगी, आलू उतना ही अच्छा आपका उसका बल्ब बनेगा, क्योंकि उसको प्रॉपर ग्रो होने के लिए भरपूर मिट्टी मिल जाती है, और उसको जमीन से जो है थोड़ी ऊंचाई मिल जाती है, तो जो उसकी गैपिंग होती है उसमें आलू बहुत अच्छे से पैदा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर लैंड प्रिपरेशन आपको कैसे करना है, आप लोग यहाँ पर नोट डाउन करने की आप चीज है, डायरी पेन लेकर के बैठे हैं तो आप प्लीज नोट डाउन करिए कि जब हम बेड्स बना रहे होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको जब सेकेंड टाइम पे हम अपने खेत को पे काम कर रहे होते हैं उसी टाइम पे हमको यहाँ पे किसान एचएपी ग्रेन्युअल का यूज करना है, ओनली किसान एचएपी ग्रेन्युअल का आपको यूज करना है, जब बेड को हम सेकेंड टाइम पलटा दे रहे होते हैं या जब हम उसको फ्लैट कर रहे होते हैं, ठीक है, एक समान हम बना रहे होते हैं तब, तो किसान एचएपी ग्रेन्युअल आपको कितना देना है, 2 kg/acre के अकॉर्डिंग,
ठीक है, कैसे देना है? देखिए, वैसे तो पोटैटो में ऑर्गेनिक मैन्योर सबसे ज्यादा चलते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर में देने के लिए अगर मैं बात करूं तो मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनिक मैन्योर्स अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि अपना किसान एचएपी ग्रेन्यूल भी एक तरीके का ऑर्गेनिक मैन्योर ही है। और उसको ज्यादा से ज्यादा अगर किसी चीज में मिलाना है तो आप सिंपल सा कुछ मत करिए, जो पके हुए गोबर की खाद होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ जो काऊ डंग होता है, आप 50 kg का काऊ डंग ले लीजिए, और उस 50 kg के काऊ डंग में आप 2 से 3 किलो, 2 to 3 kg किसान एचएपी ग्रेन्यूल को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद में उसकी ब्रॉडकास्टिंग कर दीजिए, मतलब कि छींट दीजिए। ठीक है, ये आपको कब करना है? जब आप फील्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं सेकेंड टाइम में, है ना। एक बार तो जब आपने खरपतवार साफ करने के लिए फील्ड को उल्टा पलटा किया और उसमें जो है हल जलाया, या आपने ट्रैक्टर के माध्यम से जो जुताई की, उस टाइम पे नहीं, लेकिन जब हम सेकेंड टाइम पे जब मिट्टी को फ्लैट कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपको इसको यूज करना है। ठीक है, अब क्या करना है, जब आप फिर थर्ड टाइम पे जब आप बेड्स बना रहे होते हैं, ठीक है, आलू को बोने के लिए जब आप बेड्स बना रहे होते हैं, तो उस बेड्स को बनाते टाइम, वो भी आपको कब करना है, जब थर्ड टाइम। और इसका जो अगर मैं इंटरवल बात करूं तो कम से कम 15 से 20 दिन का इंटरवल होता है। उस टाइम पे क्या करना है, जो किसान भाई लोग हैं वो इरिगेशन कर देते हैं। ठीक है, तो इरिगेशन में आपको क्या डालना है, किसान 100 का यूज आपको करना है। ठीक है, किसका? किसान 100, 15 लीटर ऑफ वाटर में आपको ओनली 5 ml यूज करना है। अगर आप 150 लीटर ऑफ वाटर ले रहे हैं तो उसमें 50 ml का यूज करिए, और अगर पर लीटर के अकॉर्डिंग आपको अगर इसका डोजेज आपको देखनी है तो 0.05 ml पर लीटर ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग इसकी डोजेज आपको यूज करनी है। इरिगेशन करना है आपको सेकेंड टाइम जब आपने एचएपी ग्रेन्यूल डाला उसके बाद में, फिर उसके 15-20 दिन बाद जब बेड हमारे, जब जमीन हमारी सूखती है, ठीक है, ड्राइनेस आती है, तब उसके बाद में हम जो है मिट्टी को और अच्छा सा फ्लैट करके, छोटे छोटे ग्रेनुअल्स उसके तैयार करके, और उसके बाद हम जो है बेड्स बनाते हैं। जब हम बेड्स बना रहे हैं तब यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमको किसान ह्यूमिक का यूज कर देना है। और कैसे करना है, अगेन हमें इरिगेशन के माध्यम से करना है। और भाइयों बहनों, आप लोग ध्यान रखिएगा कि पोटैटो फार्मिंग में इरिगेशन का बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, क्योंकि सर्दियों की फसल होती है, तो मैंने इरिगेशन कार्य के लिए भी आगे लिखा हुआ है, मैं उसको बताऊंगी कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब ये तो हो गई आपकी लैंड प्रिपरेशन। ठीक है, इस इमेज से आप कुछ समय भी आ गया होगा कि कैसे कैसे करना है। अब नेक्स्ट आते हैं कि जो आलू बुआई का जो समय है वो सबसे अच्छा कौन सा होता है, और प्लांटिंग मेथड हमको क्या लेना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आलू की अगर मैं बात करूँ कि बुआई का जो समय है, तो जो उत्तर भारत में है ना, नॉर्थ इंडिया जो है अपना, नॉर्थ इंडिया में पाला बहुत ज्यादा पड़ता है और आलू को बढ़ने के लिए बहुत कम समय मिलता है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, अगेती बुआई करते हैं। अगेती बुआई माने कि जब उसका टाइम उसके पहले से ही उसको बोना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसे होता है कि टाइम ड्यूरेशन तो उनको बहुत ज्यादा मिल गया, लेकिन यील्ड बहुत अच्छी नहीं हो पाती है, उपज अच्छी नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो क्रॉप है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो क्रॉप होती है वो हमेशा सीजन के अकॉर्डिंग ही करनी चाहिए। बहुत ज्यादा अगेती फसल पे हमको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब तक पता चला, अभी क्या होता है, लोग क्यों बोलते हैं कि हमारी फसल खराब हो गई, बेमौसम बारिश हो रही है। भैया, बेमौसम बारिश नहीं हो रही, बारिश अपने सही टाइम पे ही होती है। कभी कभार बारिश जो है नहीं हो रही, या कभी कभार बेमौसम होती है, लेकिन मोस्टली बारिश अपने टाइम पे ही है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अगेती फसल बोते हैं, टाइम से पहले ही बो देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि जब तक उनकी फसल तैयार होके खेत में खड़ी होती है, बारिश का सीजन आता है, तो उनकी फसल खराब हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि हमको अगेती फसल नहीं करनी है, और साथ ही साथ में हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो आलू हैं वो उनके कंद बहुत अच्छे बन सकें। और अब क्या होता है कि जैसे एक तो टेम्परेचर सही नहीं मिल पाता, ठीक है, उसके बाद में उनका जो जर्मिनेशन है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाता। फिर क्या होता है कि अगर मौसम से पहले पहले चल रहे हैं तो वहां पर उसमें क्या होता है, सड़ने का खतरा आ जाता है, या जैसे आलू में कहते हैं ना, जो जड़ गलन रोग जो होता है, या जो सड़ने का जो रोग होता
होता है वो आ जाता है। तो इसलिए हम जो है हमें कोशिश करनी चाहिए, अगेती बुआई नहीं करनी चाहिए। बुआई का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? जो नॉर्थ इंडिया है ना, नॉर्थ इंडिया में मतलब आलू की जो सोइंग है वो दिसंबर के लास्ट वीक तक पूरी कर लेनी चाहिए, ठीक है? कब तक? दिसंबर के लास्ट वीक तक। लेकिन जो हमारे नॉर्थ, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें या जैसे हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें, उत्तर पश्चिम जैसे या पूर्वी उत्तर जो है, पूर्वी भारत जो होता है, वहां पर हमको कब करनी चाहिए? अक्टूबर मंथ में। आप लोगों के यहाँ शायद अक्टूबर मंथ में ही आलू की बुआई करते हैं, इसीलिए आप लोगों ने आलू के बारे में आप सेशन आप लोग करना चाहते थे, राइट? है ना? तो आप लोगों के यहाँ का टाइम है, अगर जो जिन लोगों के अक्टूबर में पूरा जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आलू की खेती की जाती है, तो उनके लिए आज का सेशन बहुत लाभदायक होने वाला है। तो अक्टूबर के मतलब आप कह सकते हैं कि फर्स्ट वीक तक या हद से हद सेकेंड वीक तक पोटैटो सोइंग कंप्लीट कर लेनी चाहिए, ठीक है? अब प्लांटिंग मेथड क्या होता है कि जैसे मैंने बताया ना आपको कि एक रो से दूसरे रो की यानी एक बेड से दूसरे बेड की दूरी जो होनी चाहिए वो 50 to 60 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और जो पौधे से पौधे की जो दूरी है, मतलब कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट को जब हम आलू को लगा रहे हैं, यहाँ पे पौधा मतलब आलू को जब हम बो रहे हैं, तो उसकी डिस्टेंस जो है वो 20 to 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है? और अगर मैं बीज की मात्रा की बात करूँ तो बीज की मात्रा कितनी होती है कि 25 to 30 क्विंटल मतलब पर हेक्टेयर के लिए सफिशियंट होता है ना? अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आलू की बुआई ये तो हो गया, आपकी प्लांटिंग आपको कैसे करनी है उसका भी एक फोटो है, अभी मैं आपको वो भी बता दूंगी कि कैसे है। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोइंग मेथड की, ठीक है? सोइंग मेथड कैसे है कि जब हमारे जो प्लांट्स हैं आलू के, उसमें अगर हम फासला बहुत कम रखते हैं, मतलब डिस्टेंस हम बहुत ही कम रखते हैं, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि डिस्टेंस अच्छा होना चाहिए। उसके अच्छा क्यों होना चाहिए? जिससे कि उनमें जो सनलाइट है वो अच्छी तरह से जा सके, जो पानी है वो हम जो दे रहे हैं वो अच्छे से हर प्लांट को मिल सके, और जो पोषक तत्व हम जो डाल रहे हैं वो जो है हर प्लांट को इक्वली उसका लाभ मिल सके। और जब अगर हम बहुत पास पास आलू लगा देते हैं तो क्या होता है ना कि जब हम न्यूट्रिशन अपने प्रोडक्ट्स देते हैं न्यूट्रिशनल कैटेगरी के, तो उनमें ना एक तरीके का कंपटीशन हो जाता है कि कोई पौधा बहुत ज्यादा ले रहा है, कोई कम ले रहा है, किसी को बिल्कुल भी न्यूट्रिशन अगर नहीं मिल रहा है, तो उससे क्या होता है कि आलू का जो साइज वो छोटा रह जाता है ना? और आपने देखा होगा कि आलू वही पसंद किया जाता है जो मतलब अच्छे आलू। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, मेरे पास जो क्वेरी आती है वो ये आती है कि मैम आलू को का साइज बढ़ाने के लिए हमको कोई प्रोडक्ट चाहिए, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम डिस्टेंस प्रॉपर नहीं रखते, ये पहला स्टेप है। अगर आपको आलू का साइज बड़ा चाहिए तो पहला स्टेप आपको ध्यान में रखना है कि उनके बीच का डिस्टेंस आपको प्रॉपर रखना है। अगर आप प्रॉपर डिस्टेंस नहीं रख रहे है तो आपका जो आलू है, आप कितना भी अच्छी आप कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू का आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन उनका साइज बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? तो अब क्या होता है कि और अगर यहाँ पे देखो दूसरी चीज क्या होती है, कंट्राडिक्टरी है, कि अगर हम बहुत ज्यादा फासला रखते हैं तो क्या होती है, पौधों की संख्या कम हो जाती है, तो उससे आलू का साइज और वेट तो बढ़ेगा लेकिन पैदावार कम हो जाएगी, है ना? उपज कम हो जाएगी। तो इसीलिए जो बेड्स हैं और जो जो पौधे हैं यानी जो प्लांट्स हैं उनके बीच में आप जो डिस्टेंस रख रहे हैं उस डिस्टेंस का बहुत ध्यान रखिए, जिससे कि ना तो पौधे आपके कम उगे और ना ही आलू का साइज छोटा हो। तो इसीलिए जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो यही है कि पौधे की दूरी आपको 20 to 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रखनी है, और बेड्स की जो आपको बेड्स बनाने हैं उसकी डिस्टेंस आपकी 50 सेंटीमीटर to 60 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है? ये तो हो गया एक चीज, ठीक, ये एक मेथड था। अब यहाँ आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब
आप आलू का बीज लगा देते हैं, और बीज लगाने के बाद जब मिट्टी चढ़ाते हैं, और मिट्टी चढ़ाने के बाद में हल्का सा जब इरिगेशन करते हैं, तो आपको उसी पानी में, जिस पानी से आप इरिगेशन या सिंचाई कर रहे हैं, आपको यहाँ पर किसान ह्यूमिक लेना है और किसान यील्ड लेना है। आप नोट डाउन करना चाहें तो प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आपको किसान ह्यूमिक और किसान यील्ड लेना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। और इनकी जो डोज रखनी है वो 150 लीटर ऑफ वाटर में, यानी आप अगर 150 लीटर पानी ले रहे हैं तो किसान ह्यूमिक 500 ml का लीजिए, और किसान यील्ड आपको 250 ग्राम का लेना है, ठीक है। और 150 लीटर ऑफ वाटर में ये दोनों प्रोडक्ट मिला करके, और हल्का सा इरिगेशन यानी हल्की सी सिंचाई आपको कर देनी है, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट यहाँ पर इरिगेशन ध्यान रखना है जब आप बोइंग जब आप सीड सोइंग कर रहे हैं। अब सेकेंड चीज क्या होती है कि एक तो ये काम हो गया, ठीक है। जो सीड्स होते हैं हमारे, आई थिंक अब यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि जो मैं स्प्राउट्स की बात कर रही थी ना अभी, कि स्प्राउट्स होने बहुत जरूरी हैं, तो आप देख रहे हैं इसमें जो व्हाइट व्हाइट कलर के छोटे छोटे से रेशे आपको दिख रहे हैं, ये एक्चुअली स्प्राउट्स होते हैं बीज के। अब इन बीजों को कैसे आपको लगाना है, हर एक बीज को आपको बीच में कट कर देना है, और एक एक पे कम से कम दो दो आईज जरूर होनी चाहिए। आईज मतलब आप कैसे पहचान करेंगे कि पोटैटो पे कभी भी आप देखें, एक सेकेंड, मैंने जो फर्स्ट इमेज लगाया है मैं उसमें आपको दिखा भी दूं, होप सो कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये पोटैटो में आपको ये छोटे छोटे जगह जगह पे ये दिख रहे हैं ना होल बने हुए, इनको हम पोटैटो आईज बोलते हैं, ठीक है। ये जो पोटैटो आईज हैं, स्प्राउट्स जनरली इन्हीं से निकलते हैं, जो बीज हम तैयार करते हैं वो हम इन्हीं से तैयार करते हैं। स्प्राउट्स अच्छे से अच्छे हमारे निकले, और हमको फिर उनको कैसे लगाना है, अब मैं ये बात बताने जा रही हूँ, ठीक है। स्प्राउट्स अच्छे निकलने के लिए आपको क्या करना है, देखिए, स्प्राउट्स अच्छे निकलने के लिए आपको जो आलू होते हैं उनको आपको डिप करके रखना है सोल्यूशन में। किस चीज के सोल्यूशन में? किसान प्लांट गार्ड का सोल्यूशन आपको लेना है, और आपको क्या लेना है यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट, किसान ह्यूमिक का, ठीक है। किसान ह्यूमिक और किसान प्लांट गार्ड आपको एक साथ में लेना है, और लेने के बाद में इसको आपको ट्रीट करना है, इसको भिगो के रखना है, ठीक है, ताकि इनका जर्मिनेशन जल्दी हो और स्प्राउट्स अच्छे से बने। जब ये स्प्राउट्स बन जाएंगे, बनने के बाद में आपको हर आलू को बीच से कट करना है, आधा करना है, ठीक है। और उसमें ये ध्यान रखना है कि जो स्प्राउट्स के साथ में कम से कम एक एक हिस्से पे दो दो जो आईज मैंने बताया अभी, कि जो पोटैटो आईज बनती है वो दो आईज हर हिस्से पे होनी चाहिए कम से कम, और उसको हमें जमीन पे रखना है बोने के टाइम पे, ठीक है। जो स्प्राउट्स वाला हिस्सा है वो ऊपर रहेगा, और जो कटा हुआ हिस्सा है वो नीचे की तरफ रहेगा। उसके बाद में आप उस पर मिट्टी चढ़ाएंगे, ठीक है। तो मिट्टी चढ़ाने का मैंने बता दिया कि आपको क्या यूज करना है, तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो अभी सेशन के लास्ट में आप फिर से पूछ भी सकते हैं। ये तो होगी इसकी टोटल की कैसे हमको अपने बीजों को बोना है, ठीक है। और डिस्टेंस भी मैंने आपको बता दिया है, आप सबने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट, ज्यादा बात कर रही थी कि हमको देखिए, नेक्स्ट हम इरिगेशन में जाने से पहले मैं बात करूंगी कि अगर आपको आलू लेने हैं तो उनका वेट भी बहुत मायने रखता है आलू की यील्ड को बढ़ाने के लिए। तो वेट कितना होना चाहिए कि अगर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आलू से लेना है तो कम से कम 3 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर का उनका आकार होना चाहिए। और इसके साथ में क्या करना है कि जैसे 3 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर आकार का आलू होना चाहिए, और जो उसका वेट है ना वो कम से कम 30 से 40 ग्राम का होना चाहिए। कितना आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, कि अगर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो उसका जो आकार है, मतलब जो साइज है, वो 3 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर, और जो वेट है वो 30 to 40 ग्राम का होना चाहिए, ठीक है। अब आगे जैसे हम बात कर रहे थे कि इरिगेशन की कैसे करते हैं, कि सिंचाई, तो
आलू में हल्की हल्की सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी तो भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा पानी भरा रहेगा तो आलू सड़ जाएगा। तो इसलिए बहुत हल्की हल्की इरिगेशन हमेशा करते रहनी चाहिए। अब क्या होता है, इरिगेशन के लिए भी मैं आपको पीछे से समझाती हूँ कि अगर आप ड्रिप का इस्तेमाल करते हैं, या पतले पतले पाइप आपको दिख रहे हैं ना, ये ड्रिप लगी हुई है, अगर हम ड्रिप के माध्यम से करते हैं तो सबसे अच्छा होता है इस टेक्निक से इरिगेशन करना। इससे क्या होता है, एक तो पानी बहुत कम लगता है, ठीक है, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं लगती, और कम पानी में आपका काम हो जाता है। जिन जगहों पे पानी की मतलब शॉर्टेज रहती है, बहुत ज्यादा उनके यहाँ सिंचाई के साधन नहीं है, वहां पर ड्रिप इरिगेशन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मानी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ड्रिप से कर सकें तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है कि जो नालियां होती है ना, जैसे अभी आपने बेड्स देखा था, उसके बीच बीच में नालियां थी, तो उनसे जो बेड्स की जो ऊंचाई होती है, ठीक है, उनके और जो बेड की ऊंचाई, उसमें बहुत ऊंचाई तक पानी कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा जो है 1/3 जो पार्ट होता है, या जैसे कि आप, अगर मैं उसमें बात करूं शॉर्ट में, तो 3/4 जो उसका पार्ट हम बात करेंगे, तो उससे ज्यादा ऊंचाई का पानी नहीं होना चाहिए, मतलब कि आधे से भी कम में, ठीक है। जबकि आपके अगर मेड़ों का साइज आपने अगर बराबर लिया है तो ठीक है। अब पहली सिंचाई कब करनी है आपको, जब पौधे उग जाते हैं, ठीक है, पौधे जब उग जाते हैं तब उसके बाद में पहली सिंचाई करनी है, उसके बाद दूसरी सिंचाई उसके 15 दिन बाद में करनी है, फिर मतलब कि 15 दिन बाद में क्या होता है, आलू बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, फूलने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जब हम उसमें बल्ब बन रहे होते हैं, आलू के जब कंद बन रहे होते हैं, तो वहां पर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर पानी की कमी हो गई उस टाइम पर, तो उसका बहुत ही बुरा इफेक्ट आता है, साइड इफेक्ट आता है कि आलू पूरी तरह से डेवलप नहीं कर पाता। तो अगर जनरल लैंग्वेज में बात करूं तो कम से कम 10 से 12 दिन का इंटरवल टाइम होना चाहिए सिंचाई करने का, ठीक है। और जो जैसे अभी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि जो हमारा ईस्ट इंडिया है, ईस्ट इंडिया में अक्टूबर के से और जनवरी तक जो भी फसल हम बुआई कर रहे हैं, उसमें सिर्फ पूरी क्रॉप के पूरे सीजन भर में 6 से 7 सिंचाइयों की जरूरत होती है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आलू में जब आप सिंचाई कर रहे हैं, तो सिंचाई के टाइम पर ही आपको कुछ कुछ प्रोडक्ट्स को देना है, उसकी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आती है फर्टिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को आई होप आज जो इमेजेस लगी हैं इनसे काफी कुछ समझ में आ रहा होगा कि किस किस हाइट तक क्या क्या चीजें करनी है, और कैसे कैसे आलू ग्रो करता है, बेड्स कैसे बनाने हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें कैसे कैसे हमको अपने प्रोडक्ट्स का यूज करना है, ठीक है। देखिए, जैसे आप सभी जानते हैं कि हल्की सी एसिडिक सॉइल का की जरूरत होती है आलू में, ठीक है। तो आलू में, और उसका पीएच कितना होना चाहिए, 5.4 से ज्यादा का पीएच नहीं होना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, ठीक। अब इसमें क्या है कि अगर खारापन नहीं है, ठीक है, मिट्टी में, तो उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, आप लोग कभी कभी घर पे सुना होगा ना कि शिकायत करते हैं कि आलू बड़े मीठे आ रहे हैं, आलू का टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है, और खाने में स्वाद नहीं आ रहा है, जो आलू का ओरिजिनल टेस्ट होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ये इसकी शिकायत क्यों आती है, कभी नोटिस किया है कि इसकी शिकायत क्यों आती है? देखिए, इसका रीजन ही यही है कि सॉयल जो है बिल्कुल ही एसिडिक नहीं है, या पीएच लेवल उसका बहुत अच्छा है, अच्छी मात्रा का है, मतलब 6 से 8 का पीएच लेवल है, तभी आलू में मिठास आ जाती है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हमको पीएच लेवल जो है वो एल्कलाइन हमारी ज्यादा ना जाए। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर ऐसे ही प्रोडक्ट्स का केवल यूज करना है जो उसकी खारेपन को बहुत ज्यादा दूर ना कर सके, ठीक है। आपको क्या यूज करना है, जैसे जब आप प्लांटिंग से पहले आपने किसान ह्यूमिक किसान यील्ड का आपने यूज कर दिया था, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जब आप अभी मैंने बताया ना कि जब हम सिंचाई करते हैं उस टाइम पे, पहली जब आप सिंचाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ किसान अमीनोविट का यूज करना है, ठीक
ठीक है, पहली सिंचाई के साथ में किसान अमीनोबिट 100 ml पर एकड़ यानी 150 लीटर पानी में आपको सिर्फ 100 ml का यूज करना है। अगर मैं 15 लीटर की एक टंकी की बात करूँ तो 15 लीटर की टंकी में केवल 10 ml का आपको किसान अमीनोबिट का यूज करना है। ठीक है, अमीनोबिट क्या करेगा, जब आलू के मतलब पहली सिंचाई पे मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पहली सिंचाई से के बाद से जब हम दूसरी सिंचाई 15 दिन बाद कर रहे होते हैं तो उसी टाइम पे जो कंद हैं आलू के, जो बल्ब हैं वो बनने शुरू होते हैं और उनमें फूलने की जो है प्रोसेस स्टार्ट होती है, उस टाइम पे हमको किसान अमीनोबिट का ही यूज करना है। ठीक है, ताकि वो उसका शेप और साइज अच्छा कर सके, उसको पूरी तरह से बढ़ा सके और जो है पौधे के जो नंबर्स हैं मतलब जो कंद बनने के जो नंबर्स हैं उनमें डेवलपमेंट कर सके, है ना। तो यहाँ पर आपको सिंचाई के माध्यम से अमीनोबिट देना है। आलू की जड़ें अच्छी होंगी, उनमें फुटाव अच्छा होगा, उनमें जो मिट्टी के थ्रू जो पोषक तत्व मिलने चाहिए उसके लिए आप किसान ईल्ड, किसान ह्यूमिक और किसान एचएपी ग्रेनुला पहले ही दे ही चुके हैं। फिर जब हम सेकंड इरिगेशन जब करते हैं यानी जब हमारे आलू में कंद बनने शुरू हो जाते हैं और फूलने का जब टाइम आता है तो उस जगह पे हमको किसान फ्रू मैच्योर देना है। क्या देना है, किसान फ्रू मैच्योर। डोजेज आपको क्या रखनी है, 1 ग्राम पर 150 लीटर ऑफ वाटर में। ठीक है, और अगर आप एक 15 लीटर की टंकी में यूज करते हैं तो 1 ग्राम पाउडर का जो 1 ग्राम पाउडर को आप 5 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो उसका जो पांचवा हिस्सा होगा मतलब 5 हिस्सों में डिवाइड आपने कर लिया तो उसका एक हिस्सा आप उठा करके आप 15 लीटर की टंकी में मिलाइए और स्प्रे कर दीजिए। ठीक है, और नहीं तो अगर ड्रिप के माध्यम से कर रहे हैं तो 150 लीटर पानी में आपको केवल 1 ग्राम का यूज करना है। ये डोजेस जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो भी आलू की जो पैदावार है जो बढ़त है वो अच्छी हो जाएगी। अब जैसे मैं बात कर रही थी स्टार्टिंग में, मैंने बताया था कि 45 से 90 दिन का जो स्टेज होता है यानी ठीक है वो स्टेज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वहां पर आपने एक बार पहली सिंचाई के साथ में आपने किसान अमीनोबिट यूज कर दिया, दूसरे में थ्रू मैच्योर यूज कर दिया, उसके बाद अगेन जब आप 12 से 15 दिन पे सिंचाई करेंगे तो आपको एक डोज किसका देना है, किसान का और किसान अमीनोविट का आपको मिक्स करके एक डोज और देना है। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए आप लोग कहीं पे, जब जब थर्ड इरिगेशन करते हैं तब वहां यानी 45 से 90 दिनों के बीच की मैं बात कर रही हूँ, वहां पर आपको 150 लीटर पानी में 100 ml किसान अमीनोविट लेना है और आपको उसमें कम से कम 300 ग्राम यानी 300 ग्राम आपको किसान ईल्ड लेना है। 150 लीटर ऑफ वाटर में दोनों प्रोडक्ट को मिक्स करना है और मिक्स करके उनको पूरे खेत में आपको इरिगेशन कर देनी है, सिंचाई कर देनी है। एक चीज और ध्यान यहाँ पर रखिएगा कि जब हम आलू की खेती कर रहे होते हैं तो यहाँ पर किसान 100, ठीक है, जो कि एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, आप जब भी कोई प्रोडक्ट डालेंगे उसके साथ में आपको किसान 100 को मिक्स करके डालना है। ठीक है, इसीलिए मैंने अलग अलग नहीं बताया, एक ही साथ बता रही हूँ कि आप जब भी किसी भी प्रोडक्ट का यूज करेंगे उसके साथ में आप किसान 100 को जरूर मिक्स करिए। किसान 100 के डोजेस मैंने आपको पहले भी बताए हैं, 15 लीटर ऑफ वाटर में अगर यूज करते हैं आप तो 5 ml का आप को यूज करना है किसान 100। आप कोई भी प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन डालिए, किसान 100 आप सबके साथ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं, हम देखते हैं डिजीजेस की बात करते हैं कि डिजीज पोटैटो में कैसी कैसी लगती है। देखिए, पोटैटो में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना, फ्रॉस्टिंग की प्रॉब्लम आती है क्योंकि पाला बहुत जल्दी लगता है। दूसरी प्रॉब्लम आती है ब्लाइट्स की। ठीक है, इसके बाद तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि जो हमारा मतलब कि मैं अगर बात करूं कि एक जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है, एक डाउनी मिल्ड्यू होता है, ठीक है, तो मिल्ड्यू, ब्लाइट और वायरल इन्फेक्शन और दूसरा फ्रॉस्टिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। अब आप इन इमेजेस से समझ सकते हैं कि जैसे इसके साथ साथ आलू में भी बीमारी लगती है। आप यहाँ पर देख रहे ना कि पत्तियों की नसें फूली फूली दिख रही हैं, पत्तियां फूली हुई दिख रही हैं आलू, ये एक कटा हुआ आलू रखा है थर्ड नंबर की इमेज में, आलू का कलर जो है वो पिंक हो रहा है, धब्बे आ रहे हैं,
तो सही से नहीं हो रहा। एक दूसरे आप यहाँ पर भी इमेज से देख सकते हैं कि पत्तियों पे इस तरह का अगर आपको इमेज दिख रहा है, जो ए नंबर का इमेज है वो एक तरह की ब्लाइट कह सकते हो आप, फंगल डिजीज है। दूसरे नंबर का जो इमेज है वो आपका जो है एक वायरल डिजीज की पहचान होती है। जो थर्ड नंबर है ये भी एक वायरल डिजीज है। जो फोर्थ नंबर है ये भी एक वायरल डिजीज है। इसके बाद जो आप ये देख रहे हो, मतलब फोर्थ नंबर इन द सेंस, सॉरी मैंने शायद इधर से बताया है, ए ए बी सी और एफ जो होता है, ये जो तरीके नजर आ रहे हैं ये वायरल इन्फेक्शन है। और जो डी और ई वाला जो इमेज आप देख रहे हैं ये एक तरह का जो मिल्ड्यू जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो ठीक है ब्लाइट मैं बात कर रही हूँ, ये उसका असर आप देख सकते हैं। तो इस तरह का अगर आपको कभी भी कुछ भी नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पौधे पे आप देखिए, इस वाले इमेज पे आप देखिए, बहुत छोटे छोटे से ब्लैक ब्लैक कलर के धब्बे नजर आ रहे हैं, ठीक है। या अगर पत्तियां ऐसी पूरी सूख रही हैं, मुड़ने देख, एक क्या हो रहा है, जब कर्ल वायरस आ रहा है तो पत्तियां अंदर को मुड़ रही हैं या बाहर को मुड़ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर पत्तियां ब्राउन होके सूख भी रही हैं तो ये प्रॉब्लम होते हैं पाला लगने की वजह से। ये देखिए, फ्रॉस्टिंग अगर हो रही है तो फ्रॉस्टिंग से बचाने के लिए तो अभी अपने पास में जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट है वो कौन सा है, किसान बायो प्रोडक्ट, ठीक है। मिल्ड्यू और जो आपका, अगर ब्लाइट की मैं बात करूं, इनसे बचाने के लिए जो प्रोडक्ट है वो है आपका किसान बायो प्रोटेक्ट, किसान प्लांट प्रोटेक्ट। और जो वायरल डिजीज है उसका, उसको आपको किससे बचाना है, किसान प्लांट गार्ड से। और आलू की खेती के लिए आपको जरूरी है कि जब आप प्लांट गार्ड और किसान बायो प्रोटेक्ट यूज करें, तो जब प्लांटेशन यानी स्प्राउट्स के बाद में जब 2 से 3 पत्तियां आलू की ऊपर की तरफ दिखने लगती हैं, यानी कि तकरीबन 25 दिन हो जाते हैं, उसके बाद में इसका शेड्यूल आपको लेना है हर 15 से 20 दिन के अंतराल पे किसान बायो प्रोटेक्ट और किसान प्लांट गार्ड, इसके साथ में किसान 100 आपको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद में आपको छिड़काव के माध्यम से देना है, यानी कि इस फॉलियर स्प्रे में देना है। डोजेस आपको क्या रखनी है, 15 लीटर ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूं तो 15 लीटर ऑफ वाटर में आपको किसान 100 5 ml मिलाना है। पहले किसान 100 को मिलाइए, फिर किसान बायो प्रोटेक्ट या प्लांट प्रोटेक्ट आपको 25 ग्राम का मिक्स करना है। उसके बाद में किसान प्लांट गार्ड आपको 15 लीटर ऑफ वाटर में ओनली 15 ml ही मिलाना है, ठीक है। इतना आप मिलाइए। और इसका जो शेड्यूलिंग आप कर रहे हैं वो पहले महीने में, यानी कि जब प्लांटेशन के 21 दिन हो जाए तो पहले महीने में आप इसकी प्रिवेंटिव में कम से कम 2 बार शेड्यूलिंग करिए। उसके बाद में मंथली जब आप कर रहे हैं, जब सेकेंड मंथ में जा रहे हैं, तो उसमें भी आपकी 2 बार कम से कम ये दवा का शेड्यूल जाना चाहिए, तो बीमारियां नहीं आएंगी। और अगर बीमारियां इसके बाद भी आ रही हैं तो फिर इसके डोजेस को आप 1 महीने में 3 बार भी शेड्यूल कर सकते हैं। अगर प्रिवेंटिव यूज कर रहे हैं तो शेड्यूलिंग 2 बार की करिए, 15 15 दिन पे। और अगर आप क्यूरेटिव यूज कर रहे हैं, बीमारी आने के बाद यूज कर रहे हैं, तो उसकी 3 शेड्यूलिंग में आपको ये कॉम्बिनेशन चलाना है, ठीक है। अब इसके बाद आती है कि पोटैटो की हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है। इसके साथ में आपको एक चीज और भी बताऊंगी कि आलू में खरपतवार जो है ना वो नहीं उगनी चाहिए। तो इसके लिए जैसे बुआई के 7 डेज के अंदर अंदर, ठीक है, बुआई के 7 दिनों के अंदर अंदर जो हर्बिसाइड्स होते हैं या जो वीडिसाइड होते हैं वो आपको ले करके और उसका छिड़काव कर देना है, उसमें जो रिकमेंडेड डोजेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ये अगर इस तरीके से आज आप लोग इसको समझ पाए होंगे आज के ट्रेनिंग सेशन को, तो आप लोगों को इससे बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जैसे कीट पतंगे कौन कौन से आते हैं, ठीक है। हार्वेस्टिंग से पहले मैं बात करूंगी, मैं कीट पतंगों पे इसलिए बात नहीं करती हूँ क्योंकि हमारे पास कीटनाशक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। जैसे क्या होता है कि ट्यूबर मॉथ आता है, ठीक है, जेसिट आ जाता है या एफिड आ जाता है, जिसको हम तेला चेपा के नाम से जानते हैं, माऊ के नाम से जानते हैं, कटुआ कीड़ा के नाम से जानते हैं या शलभ के नाम से जानते हैं। अगर इस तरह के कोई भी, जैसे ट्यूबर मॉथ अगर आ रहा है, ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई भी कीड़ा आपको दिख रहा है कि फसल में है, तो उसके लिए अपनी लोकल मार्केट से आप लोग दवाई लीजिए। और उसको अगर उसका इफेक्ट बढ़ाना है तो किसान 100 के साथ में मिक्स करके उसको डलवा दीजिए, ठीक है। तो क्या होता है कि, और डालने का तरीका क्या होता है कि
जो कटुआ कीड़े होते हैं ना, पौधों की जड़ों के पास में रहते हैं, तो नीचे नीचे से ही जो है पौधे को वो खत्म कर देते हैं। तो उसके लिए उसका जो जो भी आप कर रही है छिड़काव, वो हमेशा ड्रेंचिंग के माध्यम से करिए, है ना, जड़ के आसपास में आपको डालना है, जिससे कि इस तरह का कोई भी कीड़ा जैसे लग रहा है तो वो उससे बचाया जा सके। अगर एफिड जैसिड है तो उसको फॉलियर स्प्रे में उसकी दवाइयों को आप डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो नीमाटोड भी आता है, आलू की खेती में नीमाटोड की प्रॉब्लम बहुत होती है, तो नीमाटोड से अगर आपको बचाना है तो कोई भी अच्छा सा मार्केट से आप नीमेटिसाइड ले सकते हैं, और उसको भी आप ड्रेंचिंग के माध्यम से आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो उससे भी जो रूट नॉट जो नीमाटोड होता है वो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन यह आपको अपने यहाँ के लोकल मार्केट से ही लेना पड़ेगा, ठीक है। और बीमारियों का तो मैंने बता ही दिया, जैसे जो अगर आप गांव की लैंग्वेज में बात करना चाहें तो लोग झुलसा रोग बोलते हैं, पत्ती मुड़ना रोकते हैं, मोज़ेक लग जाती है, इस तरह की बीमारियां हैं, तो उसका तो इलाज मैंने अभी आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब क्या करना है कि आलू की खुदाई हार्वेस्टिंग कब करनी है, ठीक है। जो बेबी पोटैटोज होते हैं वो 2 से 3 वीक के बाद में, जैसे प्लांट जब ऊपर से सूख जाए और नीचे आलू जो है तैयार हो जाता है बेबी पोटैटोस के लिए, तो वहां पर आपको मतलब उसकी जब फ्लावरिंग जो है फिनिश हो जाती है, उस टाइम पे बेबी पोटैटोस की आपको खुदाई कर लेनी चाहिए, ठीक है। और उसको अच्छे से मतलब आलू तो नया आलू भी आता है मार्केट में, आप जानती हैं कि मिट्टी विट्टी लगी रहती है, उसको बहुत ज्यादा सुखाने की और करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए बस खाली ये ध्यान रखना है कि आलू की खुदाई आपको कब करनी है। तो बेबी पोटैटोज आपको कब लगाने हैं, यानी कि जब आपके 2 से 3 सप्ताह के बाद में ऊपर के फ्लावर आपके खत्म हो जाएं, उसी टाइम पे आप उसकी खुदाई कर लीजिए, तो बेबी पोटैटोज तैयार हो जाते हैं। और नहीं तो जब आप देखिए, जब मैंने आपको मैच्योरिटी की स्टेज वाला इमेज दिखाया था ना, तो वहां पे मैंने बताया था कि जब मैच्योरिटी की स्टेज होती है तो प्लांट पूरी तरह से सूख जाता है ना, तो वहां पे आप थोड़ा खुदाई करके देखेंगे तो आलू के कंद आपके तैयार हैं, और उसके जो छिलके होते हैं वो एकदम सख्त हो करके जैसे पीले रंग के दिखने शुरू हो जाते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो है हमारा आलू तैयार है, खोदने के लिए तैयार हो गया है, ठीक है, उसकी खुदाई कर ली जाती है। तो ये बेसिकली जो है सिंपल सी टेक्निक होती है उसकी खुदाई करने के लिए, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आलू खोदा जा रहा है, निकाला जा रहा है आलू, तो कहीं कहीं पे बस पेड़ जो है गिर गया है या सूख रहा है, उसके बाद से ही उसको निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये थी आलू के बारे में पूरी जानकारी। अब आपके लिए विश यू ऑल द इन्फिनिटी ऑफ वेल्थ एंड हेल्थ।